दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं लो कैलोरी और हाई प्रोटीन फूड के बारे में। 10 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें लो कैलोरी और हाई प्रोटीन होते हैं। आजकल कम कैलोरी वाले उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ बहुत अधिक मांग है, खासकर उन लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ जो वजन कम करना चाहते हैं और दुबला मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हम सभी को भोजन से चाहिए। ताकि सभी खाद्य पदार्थ आपके शरीर को समान मात्रा में प्रोटीन की आपूर्ति नहीं करते। इसके बावजूद कि हम सभी क्या सोचते हैं, सभी को समान मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। उन लोगों के आहार में उच्च मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो अपने एथलीट क्षमताओं या खेल में अपनी सहन शक्ति का समर्थन करने के लिए दुबले मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप पोषक तत्वों की तलाश में पागल हो जाएं, आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है। प्रोटीन हमारे शरीर में बालों, त्वचा, हड्डियों और निश्चित रूप से मांसपेशियों में मौजूद होती है। प्रोटीन ऐसे एंजाइम बनाता है जो कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ईंधन देता है, साथ ही हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्रोटीन 20 से अधिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना होता है जो अमीनो एसिड के रूप में जाना जाता है, और ये अमीनो एसिड या तो खरोंच से हमारे शरीर के अंदर बने जाते हैं या कुछ अन्य अमीनो एसिड को संशोधित करने के बाद हमारे भोजन में 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो इस प्रकार हैं: ल्यूसीन, लाइसीन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, एनीएलियनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन और आइसोलेनिन है। आहार प्रोटीनों के लिए आमतौर पर अनुशंसित दैनिक भत्ता का उल्लेख किया जाता है कि व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 0.8 ग्राम प्रोटीन का उपभोग करना चाहिए। एक को प्रोटीन से अपने दैनिक कैलोरी का 10 से 35% के बीच उपभोग करना चाहिए। मतों को विभाजित किया गया लगता है कि दैनिक आधार पर कितने कैलोरी प्रोटीन का योगदान होना चाहिए, लेकिन एक हार्वर्ड अध्ययन में पाया गया कि कुल दैनिक प्रोटीन सेवन से कैलोरी का प्रतिशत मृत्यु या मृत्यु के विशिष्ट कारणों से जुड़ा नहीं था। हालांकि प्रीमियर यूनिवर्सिटी का शोध बताया कि प्रोटीन का स्रोत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों की हानि, रुकी हुई वृद्धि, खराब प्रतिरोधक क्षमता का नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि यह हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और मृत्यु दर को बढ़ा सकता है। लो कैलोरी हाई प्रोटीन फूड का मतलब है रोजाना कितनी कैलोरी का सेवन करना चाहिए। यह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। आपके वजन घटाने या वजन बढ़ाने का लक्ष्य क्या है और आपकी गतिविधि के वर्तमान स्तर के आधार पर आपको एक स्वस्थ कैलोरी बजट निर्धारित करने की आवश्यकता है, और फिर अपने शरीर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जितना हो सके उतनी बारीकी से इसका पालन करें। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो यह आपको एक समय सीमा निर्धारित करने में मदद कर सकता है, और फिर एक सप्ताह में एक बार ले सकता है। यह निर्धारित करें कि आप अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें बिना अपना वजन कम कैसे कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैलोरी बजट क्या है। यह कुछ स्वस्थ कम कैलोरी उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थों के बारे में जानने में मदद करता है जिन्हें आप वजन घटाने की प्रक्रिया में तेजी से लाने के लिए अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। यहाँ कुछ बेहतरीन सब्जियाँ और मीट हैं जो कैलोरी में कम है और प्रोटीन में उच्च है। इसमें पहला है टूना। समुद्री भोजन आहार में प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है क्योंकि यह सबसे अच्छा और कम कैलोरी विकल्पों में से एक है। टूना ज़्यादातर डिब्बाबंद रूप में व्यापक रूप से उपलब्ध है। मछली आपके द्वारा उपभोग किया जा रही है तो टूना मछली के प्रकार के आधार पर मछली में प्रति 100 ग्राम में 100 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होती है। टूना लीन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और हृदय के लिए भी अच्छा है। दूसरा है तुर्की। टर्की ब्रेस्ट में 100 ग्राम हिस्से में 22 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 157 कैलोरी होती है। यह कम कैलोरी वाले प्रोटीन खाद्य पदार्थों के सबसे अच्छे स्रोत में से एक है। लोकप्रिय उत्तरी अमेरिका पोल्ट्री एक सफ़ेद मांस है जो उन लोगों द्वारा पसंद किया जाता है जो बाहर काम करने या जोरदार शारीरिक गतिविधि करने के लिए अतिरिक्त सहन शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा है कॉटेज पनीर। यदि आप शाकाहारी हैं और बहुत कम कैलोरी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की तलाश कर रहे हैं तो यह इससे बेहतर नहीं है। पनीर के 100 ग्राम में 98 कैलोरी और 11 ग्राम प्रोटीन होती है। यह डेटा USDA के अनुसार है। चौथा है अंडा। सबसे प्रसिद्ध और सबसे सस्ती
प्रोटीन में से एक चिकन अंडे हैं। चिकन अंडे के 100 ग्राम हिस्से में सिर्फ 155 कैलोरी और 13 ग्राम प्रोटीन होती है। पांचवे नंबर पे है पालक। यदि आपको अपने मीट के साथ कुछ अच्छी सब्जियों की आवश्यकता है तो पालक आपकी शीर्ष पसंद होनी चाहिए। शक्तिशाली सब्जी में 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम प्रोटीन के साथ लगभग 20 कैलोरी होती है। और छठवां है सालमन। सालमन एक और मछली है जो आपके प्रोटीन भार को जोड़ सकती है बिना आपके कैलोरी बजट को परेशान किए हुए। सालमन की विविधता के आधार पर 100 ग्राम मछली में 18 से 25 ग्राम प्रोटीन और 200 कैलोरी होती है। सातवें नंबर पर है दाल। शाकाहारियों के बीच दाल खाने योग्य फलियां हैं जो प्रोटीन का बहुत लोकप्रिय स्रोत है। दाल कैलोरी में बेहद कम और प्रोटीन से भरपूर होता है। 100 ग्राम उबली हुई दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होता है जिसमें केवल 116 कैलोरी होती है। आठवें नंबर पर है मटर। हरी मटर भी प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ है जिन्हें आपको अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। कच्चे हरी मटर के 100 ग्राम हिस्से में सिर्फ 81 कैलोरी और 5 ग्राम प्रोटीन होता है। नौवां है दही। लोकप्रिय डेयरी उत्पाद या दही उनके वजन को देखने वालों के लिए एक बढ़िया है लो कैलोरी और उच्च प्रोटीन विकल्प है। दही के 100 ग्राम हिस्से में सिर्फ 98 कैलोरी और 11 ग्राम प्रोटीन होती है। दसवां है मशरूम। अपने चिकन या टर्की सैंडविच या सलाद में जोड़ने के लिए एक बढ़िया वेजी मशरूम है। 100 ग्राम मशरूम में 22 कैलोरी 3.1 ग्राम प्रोटीन होता है।